नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। आपने भी सुना ही होगा पत्ता गोभी के उस कीड़े के बारे में जो दिमाग में घुस जाता है, जिसके डर से बहुतों ने पत्ता गोभी खाना ही छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस डर के बारे में जिसके डर से लोगों ने पत्ता गोभी खाना कम कर दिया है। जी हाँ, पत्ता गोभी सेहत के लिए अच्छी जरूर होती है, लेकिन इसे खाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि पत्ता गोभी में मौजूद टेप वॉर्म कीड़ा हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, जिससे दिमाग को काफी नुकसान होता है। तो चलिए आज जानते हैं वो कीड़ा कैसा होता है, हमारे दिमाग में कैसे पहुंचता है और इसके लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये कीड़ा कैसा होता है। वैसे तो सब्जियों के कीड़े को तो आपने देखा ही होगा, कुछ हरे तो कुछ सफेद होते हैं, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, और उसी में से एक है टेप वॉर्म। जी हाँ, ये कीड़ा ऐसा होता है कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हम तक कैसे पहुंचता है। टेप वॉर्म बारिश के गंदे पानी के जरिए जमीन में पहुंचता है और फिर कच्ची या अधपक्की सब्जियों के जरिए ये हम तक भी पहुंचता है। आपको बता दें कि बाकी सब्जियों में ये आसानी से छिप नहीं पाता, इसीलिए बंद गोभी में ये कीड़ा गहराई तक छिपा होता है। इसके लार्वा और अंडे कठोर कवर वाले होते हैं जो इसे बचाते हैं। यही कारण है कि कम तापमान पर खाना बनाने के बाद भी ये कीड़े जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें जितनी बार काटेंगे ये अपनी संख्या दोगुनी कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ये हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं। एक बार टेप वॉर्म जब हमारे पेट में पहुंच जाता है, फिर ये सबसे पहला अटैक हमारी आंतों पर करता है और उसके बाद ये ब्लड फ्लो के माध्यम से हमारी नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। हालांकि आंतों का संक्रमण ज्यादा घातक नहीं होता, लेकिन दिमाग पर इसके गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। इससे दिमाग में सूजन आ सकती है, जिससे सिर दर्द और ब्रेन फॉग जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। टेप वॉर्म से होने वाले संक्रमण को टेनियसिस कहा जाता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, एक टेप वॉर्म की लंबाई 3.5 से 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक होती है। इस कीड़े के लिए इलाज के तौर पर वैसी दवाएं दी जाती हैं जिससे ये मर जाए, नहीं तो फिर सर्जरी भी की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस कीड़े से हम कैसे बच सकते हैं। पत्ता गोभी को काटने से पहले और काटने के बाद अच्छी तरह से धोएं। बेहतर होगा सब्जी को गर्म पानी से धोएं या फिर 5 मिनट तक उबाल दें। बारिश के मौसम में बंद गोभी से दूर रहने की कोशिश करें। बंद गोभी को कच्चा खाने से बचना चाहिए, जैसे सलाद में या सैंडविच में, जिससे पेट में कीड़े पहुंचने का खतरा ज्यादा हो सकता है। बंद गोभी को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। वैसे इस कीड़े का लार्वा पालक, मछली, पोर्क या बीफ में भी पाया जाता है, तो इन चीजों को भी अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आपने जान ही लिया होगा कि पत्ता गोभी के कीड़े से जुड़ी आखिर क्या है सच्चाई। यदि आप भी पत्ता गोभी का सेवन करते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सावधानी के साथ अच्छे से पकाकर आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के कई रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।